हमने सभी 8-9 राज्यों का समग्र अध्ययन करने के उपरांत उसका कानून, जैसे हमारा भारतीय संविधान बना है, हमने सभी राष्ट्रों के संविधानों को चाहे लिखित है चाहे परंपरा, जैसे इंग्लैंड में लिखी संविधान नहीं है, जापान अमेरिका वगैरह में लिखी संविधान है, तो सभी का अध्ययन करके हमने उसका समग्र रूप बनाने का प्रयास किया है। अभी कैबिनेट ने पास किया है और आगे इसे विधानसभा अभी रख करके एक्ट आगामी जो भी विधानसभा का सत्र आएगा उसमें इस बिल को पेश करके एक्ट के रूप में पास करेंगे, राज्यपाल के पास जाएगा और जब भी इसकी विधिवत जो भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कानून बन जाएगा। अभी लागू नहीं है इसकी कानूनी, अभी तो कानून रखने के बाद ही लागू होगा, अभी तो इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी, आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब संबंधित विभाग में जाएगा, उसकी जो भी खानापूर्ति पूरी होगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी और फिर इस बिल मंजूर किया है, ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं किया है, ऑर्डिनेंस जारी होता है, मंजूर नहीं होता ऑर्डिनेंस, ये बिल मंजूर किया नहीं, बिल मंजूर किया है, अगर कहीं भी कहने में सुकने हैं तो इसको दुरुस्त कर दें, ये बिल को मंजूरी दी है कैबिनेट ने, विधानसभा में भी आ सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी एक ये रखा था और पूर्ववर्ती पूर्व में ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूर्व में ऐसा कानून पारित हुआ था परंतु राष्ट्रपति बहुत इसकी मंजूरी नहीं मिली, इसे वापस आ गया, उसको वापस ले लिया है और उसके स्थान पर ये नया बिल लाए। इसमें क्या क्या अलग, वो करीब करीब समान है, सब दूर कर दिया, जो भी आपत्तियां थी सबको दूर कर दिया। एक लव जिहाद को लेकर के आपने कही, लेकिन जब विवाह या निकाह हो जाता है दो लोगों के बीच में तो वो तो ऑटोमेटिक, हम इसको धर्म, हमने हमारा मुख्य उद्देश्य हमारा जो आज का कानून है वो धर्म जबरदस्ती धर्म को रोकना है, धर्म को बदलने से रोकना है, धर्म का संबंधित हमारा है, हमारा उस लव जिहाद का तात्पर्य ये नहीं, अगर वो लव जिहाद के साथ लव एंड लिविंग रिलेशन में रहते हैं वो अलग विषय है, अगर वो और किसी करते हैं वो, लेकिन धर्म रूपांतरण जो कर धर्मांतरण जो करवा देता है वो धर्मांतरण को रोकने का ये बिल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना जरूरत को देखते हुए लाना पड़ा ये बिल, क्या प्रदेश में ऐसे मामले आ रहे थे ज्यादा संख्या में? बहुत संख्या में आ रहे थे, विशेषकर मेरे आदिवासी क्षेत्रों में आ रहे थे, बांसवाड़ा डूंगरपुर उस एरिया में आते थे, हमारे यहाँ भी बहुत आते थे, सामाजिक व्यवस्था होती थी, कानून व्यवस्था भंग होती थी, अनेक धर्मों में अनेक समाजों में इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया होती थी और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी जरूरत था, इसीलिए लाया गया। बीएपी और बीटीपी को काउंटर करने के तरीके के रूप में भी देखा नहीं, इसका इसका कोई संबंध नहीं। कानून इसीलिए लाना की जरूरत पड़ जाइए कि ऐसे लोग जो है बार बार आदि हो चुके थे, प्रलोभन देते थे, आर्थिक सब्ज भाग दिखाते थे, पता भी नहीं लगता था और उनको रोकने के लिए बार बार अनेक तरह के गिरोह बने हुए थे, उनको रोकने के लिए कानून लाने की आवश्यकता थी, इसीलिए कानून लाए। धन्यवाद। नहीं, मशीनरी का कोई अगर पाइस वर्क करता है तो उसमें कोई रोक नहीं है, वो अपना अच्छा काम करे, संविधान में उसको अधिकार है, लेकिन इस कानून की परिधि में आएगा तो कोई भी हो सजा पाएगा। एक पहली बार करते हैं तो 1 से लगा करके 5 साल, मिनिमम 1 साल, अधिकतम 5 साल और 15,000 का जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो उसे अब डबल सजा होगी, और अगर कोई महिला है, नाबालिग है, तो उसके लिए 3 से 7 साल की सजा और 50,000 जुर्माना, और अगर कोई समूह के रूप में करवाता है तो 3 से 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना। मंत्री जी, ये करो, ये जो एजेंट हैं, दलाल हैं, इस प्रकार धर्मांतरण करवाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, इसको कोई अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ, वो समूह के रूप में आते हैं, जो भी धर्मांतरण करवाएगा सक्रिय रूप से सहयोग करता है, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, उस सब की जांच के उपरांत अगर वो धर्मांतरण की डेफिनेशन में आएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। धन्यवाद।